प्रथम तहलका न्यूज। कार्यकर्ता बंधुओं, आज हम अपनी आज शान सम्मान और जान तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। देश का प्रतीक उस देश का ध्वज पहले हमारे यहाँ पर राजशाही थी, रियासतें थी, सबके अपने अपने झंडे हुआ करते थे। आजादी की लड़ाई अभी चल ही रही थी, ये विचार आया कि हिंदुस्तान का भी कोई ध्वज होना चाहिए। सबसे पहले 1903 में विवेकानंद जी की शिष्या निवेदिता जी ने एक झंडे का निर्माण किया। उसके बाद झंडा कई बार अपने स्वरूप बदलता रहा और आज जो झंडा हमारे सामने है, जिसको पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया और 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस तिरंगे झंडे को फहराया। यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा होता था उसको उतार दिया गया और उसकी जगह पर अपना प्यारा तिरंगा फहराया गया। तब से लेके अब तक हर 15 अगस्त 26 जनवरी को समय के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री इसको दिल्ली में फहराते आ रहे हैं। हर सरकारी भवन पर, सरकारी वाहन पर, मंत्रियों के वाहन पर, प्रधानमंत्री जी के वाहन पर, राष्ट्रपति जी के वाहन पर, गवर्नर्स के वाहन पर ये तिरंगा लगाया जाता है। इसके 3 रंग हैं। पहला भगवा रंग जो त्याग का प्रतीक है, दूसरा सफेद रंग जो शक्ति का प्रतीक है, तीसरा हरा रंग जो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है।
चोटी से दुश्मनों को पछाड़ कर वहां पर हमारा तिरंगा झंडा लहराया। अभी कल ही ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। हमारे प्यारे तिरंगे को शान से वहां फहराया गया और हमारा राष्ट्रीय गीत वहां पर गाया गया। मित्रों, ये तिरंगा देशभक्ति का भी प्रतीक है, ये देशभक्ति की भावना जन जन में आरोपित करता है, जन जन में ये देशभक्ति की भावना को डालता है। इतिहास गवाह है कि जिस जिस देश में जहां जहां पर देशभक्ति की भावना कम हुई वहां पर देश विरोधियों ने अपने सर उठाए। हमारे देश में भी कोई देश विरोधी ताकत अपना सर न उठा सके, इसलिए लोगों में लगातार देशभक्ति की भावना को भरने के लिए ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। ये तिरंगा हमें निस्वार्थ होकर देश पर मर मिटने की प्रेरणा देता है। हमारे में देशभक्ति की भावना को भरता है। पहले हमारे सिनेमा हॉलों में जब पिक्चर खत्म हो जाती थी तो जनगण मन गाया जाता था और तिरंगा झंडा फहराया जाता था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग 3 घंटे पिक्चर के लिए खर्च कर देते थे, लेकिन राष्ट्रगान जो मात्र 52 सेकंड का है उसके लिए समय नहीं दे। हमें इस भावना को, देश प्रेम की भावना को, जहां जहां भी हम हैं, जहां जहां भी हम काम कर रहे हैं, जहां जहां हमको मौका मिला है, इस तिरंगे को अपने सामने रखकर अगर हम काम करेंगे तो गलत भाव रहे हमारे आसपास भी नहीं। द्वारा किया गया एक एक काम राष्ट्र को समर्पित होगा और राष्ट्र दिन दोनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। आज जिंदाबाद, आज हम इस तरह
तिरंगा यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हम जिए तो राष्ट्र के लिए, मरे तो राष्ट्र के लिए। ये यात्रा तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है। आप सभी से निवेदन है कि गाड़ी से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, रास्ता दीजिए, आप प्लीज रास्ता दीजिए। और सभी कह रहे हैं बंधुओं से निवेदन, जाके यात्रा में आगे चलेंगे, आप सबसे निवेदन की व्यवस्था बनाए रखें। और ये तिरंगा यात्रा यहीं से आरंभ होकर यहीं पर समाप्त होगी। सभी कार्यकर्ता दोबारा यहाँ पर वापस आए, उनके जलपान की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर है। सभी पूरे बाजारों में घूमकर तिरंगा यात्रा घूमकर यहीं पर समाप्त होगी। एक बात को सभी कार्यकर्ता ध्यान देंगे, इस यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें। बिना अनुशासन के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता, कोई भी अपनी पंक्ति से बाहर नहीं निकलेगा। जो रूट बनाया गया है उसी रूट पर चलेंगे, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये हमारा कार्यकर्ता हो, हम शासन को गाड़ी के आगे कोई भी नहीं चलेगा, इस साहब से आगे कोई नहीं चलेगा, इस साहब से गाड़ी के आगे आप सब लोग पीछे रहो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भाई अनिल वीर, भाई अनिल वीर, भारत माता की। सभी से अनुरोध है कि पूरे रास्ते भारत माता की जय, भारत माता की जय करते रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भाई अनिल वीर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।
ही नहीं तो मानसी अड़ते बचेरा देखा करिए देखा ही मुंह पर नीचे गिरे आराम से रुक जा गड्डी रुकन दे उधर ना जाइयो चल आगे ले मिकी गाड़ी तेरा क्या कर रहे हैं चलो पीछे भाई बोलो इस नु रोटर बंद कर दो इसका वो डेढ़ घंटा हो गई थी भाई यही रोक लो विक्की हटो ये तो मेरे तो पैर में चप्पल भी नहीं है डाल ना हील है ना मैं फिर चलने फोन पकड़ा मुझे हील है मेरी चप्पल में ऊपर रखा ऐसे चल ऐसे चलेगा मैं तो कर रही हूं दो मिनट गाड़ी आगे पीछे नहीं है ये कपूर है ना कपूर जी गाड़ी आगे आ जाओ मैं जाऊं तेरी नंगे पैर आ जाओ एक बार मेरा फोन पकड़ो मैं तो शर्ट खींच खींच के नहीं डाल दूं ना हां हां बापी से ख्याल कर लिया पप्पू जी का